गाइस वेलकम बैक टू अवर न्यू ब्लॉग। गुड मॉर्निंग, और कैसे हैं आप सभी? आई होप आप अच्छे होंगे। और भाई मतलब आज के दिन मतलब सुबह सुबह मैं पढ़ने बैठ गया हूँ अपना सोशल स्टडी लेके, बिकॉज अपने टाइम टेबल के हिसाब से अपना सोशल साइंस का याद कर रहा हूँ। जियोग्राफी एंड हिस्ट्री मैंने अभी पढ़ी है, बारी है पॉलिटिकल और इसकी, तो ये पढ़ाई कर रहे हैं। और आदित्य अभी स्कूल से आता ही होगा, मतलब एक दो घंटे में आ जाएगा आदित्य भी, और आदित आएगा फिर मजा आएगी, क्योंकि वो आके ही अपना होमवर्क करने बैठ जाता है तुरंत खा पी के। ये काम अच्छा है कि ये मतलब होमवर्क कंप्लीट कर लेता है वो अपना। और कल की वीडियो पे इम्प्रेशन अच्छा गया है, आपने जितनी बहुत जल्दी क्लिक किया है तो इसके लिए बहुत ही ज़्यादा थैंक्स। ऐसे ही सपोर्ट करा करिए और शेयर कीजिए सबसे ज़्यादा। तो अभी आदित आता है तो अपन मिलते हैं और कहीं पर चलेंगे बाहर घूमने, या वैसे तो पाव में। अच्छा हाँ भाई, एक बहुत ही भाई, कल मैं गया था खेलने ना, तो एक बहुत बड़ी घटना हो गई। मतलब कबड्डी खेल रहे थे, तो कबड्डी खेलते खेलते भाई मेरा पाँव मुचका गया एकदम से, और पूरे सूज गया है, तो मैं उसे चला भी नहीं रहा इतना। तो देखो यार इस वाले पाँव पे, यार देखो कैसा सूज गया, बिल्कुल भी ऐसा देख रहे हो कितना सूज गया है, चला भी नहीं रहा है, कैसे हो गया। इसमें भाई मैंने अभी ट्यूब भी लगाई है मलहम, ये रहा अभी लगा के बस भाई उसको मसल दिया, ट्यूब भी लगा लिया है। अब क्या पता कब तक सही होंगे, बिकॉज ये क्या बोलते हैं, अब लग तो गई है, चला भी नहीं रहा है भाई। मेरे को लगा थोड़ी सी लगी है, जल्दी ठीक हो जाएंगे, पर ऐसा नहीं हुआ। देखो साफ सफाई कर रहा है घर की, और ये भी कचरा ही है एक तरह का और इसने पूरा खराब कर दिया था। एक में नहीं डालो, नहीं तो बाल्टी के में बैठ जाएगा। हाँ तो मम्मी गाइस देख सकते हैं, इनसे साफ सफाई करवा रही है, एक नंबर कागज भी रहा है। ये आदित्य वेल डन, ये गाइस अभी मतलब ये तो आपने देखा है कि किसका उठा रहा था, और अभी खाने के जाएंगे क्योंकि भाई बहुत भूख लग रही है। तो अभी किचन में चलते हैं और देखते हैं मम्मी क्या बना रहे हैं, फिर उसके बाद अपन लंच करेंगे। वैसे भी 8 बज चुकी है भाई, और अभी तक मतलब सुबह का खाना खाया है, अभी तो कुछ नहीं खाया है। तो अभी चलते हैं और आपको बताते हैं क्या बन रहा है किचन में। तो आ चुके हैं किचन में और देख सकते हैं ये पापा का उपास है ना आज एकादशी का, तो उनके लिए फरियाली बन रही है, और मतलब हमारे लिए भी है। और ये क्या साबूदाने की टिकिया का ये बन रहा है, मस्त एकदम न्यू रेसिपी। और अभी थोड़े दिनों में मम्मी का भी चैनल आने वाला है, जिसमें मम्मी रेसिपी का ये डालेंगे, तो आप उसको भी सब्सक्राइब कर लेना, और मैं बता दूंगा वैसे तो कम्युनिटी पोस्ट पे डाल के, तो आप एक्टिव रहना। तो ये बन रहा है और देख सकते हैं चटनी एकदम लजीज, तो अब हम खाएंगे, तो जब तक के लिए अब चलते हैं। है बिल पत्र तोड़ने और hello कुछ guys. जन है hello guys. तो गाइस अभी हम बिल पत्र तोड़ेंगे, बिकॉज कल महाशिवरात्रि है ना। तो गाइस क्या बताऊँ यार, लंगड़ा चल रहा हूँ बिकॉज पाँव में लग चुकी है। कभी गाइस बेल पत्र तोड़ने आए हैं, अब तोड़ेंगे बेल पत्र, तो उससे पहले जम लेने गए हैं वो लोग कि जम ला के और तोड़ेंगे। तो बेल पत्र तोड़ के आ चुके हैं, और पता ही है कि पाँव में लग गई थी यार, बहुत दुख रहा है अभी भी, पर भी मतलब शिव जी की भक्ति है, कल मंदिर में भी जाना है, तो शिव जी की भक्ति के लिए कुछ भी भले कितना भी लगे। और अभी घर पे हमारे डिस्कशन चल रहा है कि कल कौन कौन से कपड़े लोग पहनने वाले हैं। आदित्य के वहाँ है, मेरे हैं, पापा जी के हैं, मम्मी जी के, और मम्मी जी भी वहाँ पे बेलपत्र तोड़ना मतलब देख रहे हैं कि कौन कौन से अखंडित तो नहीं है। और कल के लिए मतलब हमने सारी प्रिपरेशन कर ली है, कल जल्दी उठना है, 4-5 बजे उठेंगे, उसके बाद मंदिर जाएंगे और भगवान का अभिषेक करेंगे। तो अभी तो वाइस कपड़े का हो चुका है, कौन कौन से किसको किसको पहनना है, फिर कल पहन के। और हाँ, और अब भाई एडिटिंग करना है, तो व्लॉग छोटा ही है लेकिन एक नंबर है, आपको भी पता ही है। और अब हम करते हैं इस व्लॉग को यहीं पे एंड, और आप लाइक कर दीजिएगा, आप भूल जाते हो लाइक करना, लाइक के बटन को दबाइए, कमेंट के बटन को दबाइए और कमेंट कीजिए, और अब मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तो शेयर कर दीजिएगा, ठीक है? आपको ही बोल रहा हूँ, देखो बाय।